लिबर ऑफिस इंप्रेस में प्रस्तुति को प्रिंट करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम प्रिंट करने के विविध ऑप्शंस देखेंगे, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स और आउटलाइन। यहां हम उबंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिबर ऑफिस वर्जन 3.3.4 का उपयोग कर रहे हैं। कभी-कभी आपको आपकी प्रस्तुति की हार्ड कॉपी प्रिंट करनी होती है। उदाहरण के लिए हो सकता है आप अपनी प्रस्तुति की कॉपीज अपने दर्शकों को देना चाहते हों। अतः पहले अपनी प्रस्तुति सैंपल इंप्रेस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। स्लाइड की प्रिंट लेने के लिए फाइल और प्रिंट पर क्लिक करें या फिर कंट्रोल और पी कीज साथ में प्रेस कर सकते हैं। जनरल और ऑप्शंस टैब्स में सेटिंग्स जानने के लिए लिबर ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट्स को देखने तथा प्रिंट करने वाले ट्यूटोरियल को देखें। जनरल टैब में प्रिंट के अंदर डॉक्यूमेंट फील्ड में हम कई ऑप्शंस देखते हैं जो कि विशिष्ट रूप से इंप्रेस में मौजूद हैं। यह ऑप्शंस हमें इच्छित फॉर्मेट में अपनी स्लाइड्स को प्रिंट लेने की सुविधा देते हैं। स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स और आउटलाइन। हम स्लाइड्स ऑप्शन चुनते हैं। चलिए अब लिबर ऑफिस इंप्रेस टैब पर क्लिक करते हैं। यहां आप स्लाइड्स के भागों का, कलर का, साइज का चुनाव कर सकते हैं जिन्हें प्रिंट करना चाहते हैं। कंटेंट में स्लाइड नेम, डेट एंड टाइम और हिडन पेजेस चुनते हैं। जैसे कि टेक्स्ट विवरण देता है, यह स्लाइड का नाम, दिनांक और समय और यदि कोई छिपा हुआ पेज है, उसे प्रिंट करेगा। कलर में ग्रे स्केल चुनते हैं। जैसे कि टेक्स्ट विवरण देता है, अन्य ऑप्शन स्लाइड को इसके मूल रंग में या ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करेगा। साइज में फिट टू प्रिंटेबल पेज चुनते हैं। आप दूसरे ऑप्शंस को लिबर ऑफिस इंप्रेस टैब में खुद से देख सकते हैं। जिस उद्देश्य से आप प्रिंट लेना चाहते हैं, उसके आधार पर पेज लेआउट टैब में कई ऑप्शंस मौजूद हैं। माने कि प्रिंट आउट के एक ही पेज में आपको कुछ स्लाइड्स चाहिए, अतः पेजेस पर शीट चुनें। डिफॉल्ट रूप से यह एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट करता है। यह पेज का एक छोटा प्रीव्यू है। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और एक पेज पर कितने स्लाइड प्रिंट करने हैं उसे चुनें। यदि हम दो चुनते हैं, फिर प्रीव्यू में हम दो पेज देख सकते हैं। यदि हम 6 चुनते हैं, फिर प्रीव्यू में हम 6 पेज देख सकते हैं। ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड ईच पेज ऑप्शन को चुनते हैं। यह प्रिंट करते समय प्रत्येक पेज पर एक काला बॉर्डर बनाता है। यह पेज को अधिक आकर्षक बनाता है। अगला ऑप्शन है ब्राउशर। यह स्लाइड्स को पुस्तिका के रूप में प्रिंट करने की सुविधा देता है, जो बाइंडिंग के लिए आसान हो। फिलहाल इस ऑप्शन को हम नहीं चुनेंगे। आप खुद इसे बाद में देख लीजिए। यह सुनिश्चित करें कि ऑप्शंस टैब में सभी चेकबॉक्स अनचेक हैं। यह चेकबॉक्स विशेष प्रयोजनों के लिए हैं। इनकी चर्चा हम इस ट्यूटोरियल में नहीं करेंगे। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें। यदि प्रिंटर सही से कॉन्फ़िगर हुआ है, तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा। अब हैंडआउट्स ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। फाइल और प्रिंट पर क्लिक करें और जनरल टैब में प्रिंट के अंदर डॉक्यूमेंट फील्ड में हैंडआउट चुनें। डिफॉल्ट रूप से एक पेज पर 4 स्लाइड्स होते हैं और डिफॉल्ट क्रम है बाएं से दाएं फिर नीचे। इस प्रस्तुति के लिए इसे ऐसे ही रखें। लिबर ऑफिस इंप्रेस टैब में आप देखेंगे कि साइज ऑप्शंस चुने हुए नहीं हैं या निष्क्रिय हैं। इसका कारण यह है कि प्रिंट का साइज शीट में कितनी स्लाइड्स हैं और शीट की साइज द्वारा निर्धारित होता है। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें। यदि प्रिंटर सही से कॉन्फ़िगर हुआ है, तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा। चलिए पहली स्लाइड पर जाते हैं और नोट्स टैब पर क्लिक करें। यहां नोट में हम टाइप करेंगे, दिस इज अ सैंपल नोट। आपके नोट्स प्रिंट करने के लिए जो आपने अपनी स्लाइड्स के लिए टाइप किए थे, फाइल और प्रिंट पर क्लिक करें। जनरल टैब में प्रिंट के अंदर डॉक्यूमेंट फील्ड में नोट्स ऑप्शन चुनें। बाएं ओर प्रीव्यू पेज पर देखें। यह स्लाइड के तल पर आपके टाइप किए हुए नोट दिखाएगा। अब लिबर ऑफिस इंप्रेस टैब पर क्लिक करें। ध्यान दें कि जब हम नोट्स प्रिंट करते हैं, उसके लिए साइज ऑप्शंस उपलब्ध नहीं हैं। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें। यदि प्रिंटर सही से कॉन्फ़िगर हुआ है,
तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा। आखिर में प्रस्तुति के समय त्वरित संदर्भ के लिए स्लाइड्स की आउटलाइन को प्रिंट करने के लिए फाइल पर और प्रिंट पर क्लिक करें। जनरल टैब में प्रिंट के अंदर डॉक्यूमेंट फील्ड में आउटलाइन ऑप्शन चुनें। बाएं ओर प्रीव्यू पेज पर देखें, यह आउटलाइन या स्लाइड का क्रम उसकी हेडिंग और उप पॉइंट्स को बताता है। अब लिबर ऑफिस इंप्रेस टैब पर क्लिक करें। फिर से ध्यान दें कि जब हम आउटलाइन प्रिंट करते हैं उसके लिए साइज ऑप्शंस मौजूद नहीं है। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें। यदि प्रिंटर सही से कॉन्फ़िगर हुआ है तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू करेगा। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं, जहां हमने प्रिंटिंग के बारे में सीखा, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स और आउटलाइन। इस नियत कार्य की कोशिश करें, एक नई प्रस्तुति बनाएं, सिर्फ दूसरी स्लाइड प्रिंट करें, पहली चार स्लाइड को हैंडआउट में प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें, यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाते हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।